इत्थे लिया के बिहार तो तुसीं ओ जिहड़े बंदे आ इत्थे वाड़ दित्ते जिन्हां दा साडे नाल इस तरह का कल्चर आ कि वह सुरक्षा गार्डां ने दस्सिया कि उन्हां दी पग्गां रोलियां गईआं, उन्हां नूं जेनोसाइड की धमकी दी गई कि 84 दहरा देंगे। प्रशासन होवे, एडमिन होवे, ये सारी गल्लां ते पर्दा पाउणा चाहुंदे आ, क्योंकि यह आ ये गल करोड़ां दी आ। करोड़ां रुपए का फंड जदों तुसीं होरां कोलों लैण दे इशक हो जांदे हो तो वो आदि हो जाते हो तो तुहानूं फिर सिखी नहीं दिसदी। असीं अपनी चंगी भली कौम दे विचों वो नहीं पैदा कर सकते जिहड़े दिल्ली दे सिख कतलेआम दे पीड़ित होण। पंजाब दे विच जिहड़ा वड्डा कांड झूठे पुलिस मुकाबलियां दा चलिया, भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने कहा सी कि 25,000 लवारस लाशां नूं सिखां नूं लवारस लाशां कह के खपा दित्ता गया। पिछोकड़ की गल करिए पिछले 35-40 साल इस भारत के खिते माइक्रो कम्यूनिटी सिख जिहड़े वस रहे आ जिन्होंने नसलकुशी की पीड़ झली हुई आ ते उसका जबर सहया है। एक तरीके नाल जिहड़ा एक गुंडागर्दी आ वो इत्थे सुरक्षा गार्ड जिहड़े सिख ने उन्हां नाल उन्हां बचाई आ। अखां गाड़ी जिवें मास उगाउंदा सो असीं वो जिहड़ा मास लाउण वास्ते इत्थे पहुँचे हुए हाँ। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दी पावन धरती फतेहगढ़ साहब विखे अज आपां सारे जुड़े हाँ, तुहाडा सारन दे इत्थे आउण ते स्वागत आ। पत्रकार भरावां दा सानूं इत्थे जथे नूं भाई अमृतपाल सिंह हुणां ने भेजिया होया। आपां जाणदे हाँ कि एक दिन पहलां इत्थे जिहड़ी घटना वापरी बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच कि जिहड़े बिहारी विद्यार्थी आ उन्हां ने बड़ा हड़दंग मचाया होया। एक तरीके नाल जिहड़ा एक गुंडागर्दी आ वो इत्थे सुरक्षा गार्ड जिहड़े सिख ने उन्हां नाल उन्हां मचाई आ। सो इहदे जिहड़े पिछोकड़ी कारण आ वो ये आ कि जदों SCPC दा अदारा होवे ते इस अदारे दे विच बेशक अज मेरी जदों गल प्रधान SCPC नाल होई ते उन्हां कहा कि 50% कोटा जिहड़ा सिख बच्चां लई है, पर इस दे बावजूद वो जतन ना करने कि जिहदे नाल सिख बच्चे जिहड़े इत्थे वध तों वध आउण। पिछोकड़ की गल करिए पिछले 35-40 साल इस भारत के खिते माइक्रो कम्यूनिटी सिख जिहड़े वस रहे आ जिन्होंने नसलकुशी की पीड़ झली हुई आ ते उसका जबर सहया होया। हुण की जे कोई 700 बच्चा असी अपनी चंगी भली कौम दे विचों वो नहीं पैदा कर सकते जिहड़े दिल्ली दे सिख कतलेआम दे पीड़ित होण। पंजाब दे विच जिहड़ा वड्डा कांड झूठे पुलिस मुकाबलियां दा चलिया, भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने कहा सी कि 25,000 लवारस लाशां नूं सिखां नूं लवारस लाशां कह के खपा दित्ता गया। कि उन्हां शहीद होयां दे जिहड़े पोतरे अज जवान हो गए होणगे 12वीं पास कर ली होगी उन्हां नूं प्रेर के इत्थे पढ़ाउणा चाहीदा। ये जिहड़े काम ने हुण सारे खित्तियां दे विच मैंबर SCPC आ, हरेक मैंबर SCPC अपने खिते दे विचों 5-5, 7-7 सिख बच्चे होशियार बच्चे प्रेर के इत्थे लै के आवे तां कि इह अदारा कल्ला सिख बच्चों के योग नहीं बन सकेगा। इत्थे लिया के बिहार तो तुसीं ओ जिहड़े बंदे आ इत्थे वाड़ दित्ते जिन्हां दा साडे नाल इस तरह का कल्चर आ कि वह सुरक्षा गार्डां ने दस्सिया कि उन्हां दीआं पग्गां रोलियां गईआं, उन्हां नूं जेनोसाइड की धमकी दी गई कि 84 दहरा देंगे। प्रशासन होवे, एडमिन होवे, ये सारी गल्लां ते पर्दा पाउणा चाहुंदे आ, क्योंकि यह आ ये गल करोड़ां दी आ। करोड़ां रुपए का फंड जदों तुसीं होरां कोलों लैण दे इशक हो जाते हो तो वो आदि हो जाते हो तो तुहानूं फिर सिखी नहीं दिसदी। अखां गाड़ी जिवें मास उगाउंदा सो असीं वो जिहड़ा मास लाउण वास्ते इत्थे पहुँचे हुए हाँ। उहदा कारण यह आ कि असीं जिवें कल पुलिस प्रशासन नूं मिले राती मिड नाइट के करीब अद्धी रात के करीब असीं हॉस्पिटल जा के उन्हां जख्मी होए जिहड़े सुरक्षा कर्मी ने इस बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के उन्हां नूं मिले हाँ। अज असीं इत्थे 5 जणिआं दा वफद जिहड़ा भाई अमृतपाल सिंह हुणां ने सानूं भेजिया होया कि असीं कॉलेज के अंदर जा के जिहड़ा प्रशासन कॉलेज का उन्हां नाल मिलना चाहुंदे हाँ, क्योंकि जिन्हां ने शराब की हालत में मेरी ऑफ रिकॉर्ड कुछ बंदियां नाल गल हुई आ कि कॉलेज के विच विद्यार्थी जिहड़े आ शराब हुक्का गांजा तंबाकू बीड़ी सिगरेट आदि का वरतों जिहड़ी खुलेआम कर रहे आ। इहदा एक सबूत यह आ कि जदों बाबा बंदा सिंह जी इत्थे असीं पड़ा कीता सी अस्थान दे विच शहीदी जोड़ मेल दे दौरान तां साडे कोल विद्यार्थी वीडियोस लैके आए। उहदे विच एक वीडियो ये आ कि बाबा बाज सिंह होस्टल जिहड़ा होरां दा वी इहो हाल होगा, बाबा बाज सिंह होस्टल दीआं कंधां तंबाकू प्रोडक्ट दे नाल लाल कीतियां गईआं, पान दीआं पिचकारियां मारियां गईआं। असीं बड़ी संजीदगी दे नाल
SCPC ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਗੋਲਕ ਰੂਪੀ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਫਿਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 80% ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 95% ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ SCPC ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੋਤਰੇ BTECH ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੇਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 700 ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਇਹ ਵੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ SCPC ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੜਕਾਊ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਣ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ, ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਂਝ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ
रहना जानता। कुछ कौड़ियां सच्चाइया बेशक रही ने पर साडा कोई अमन मान वाला तरीका बिगड़ता नहीं। बड़े बड़े ही सेंसिटिव दौर के दौरान भी कोई यहोजी गल् नहीं वापरिया, सुख शांति रही। पर जदों एस सी पी सी प्रधान नाल जदों गल हुई है वह कहिंदे कि 50% कोटा सिख बच्चों लिए रख्या राखवा है। उन्होंने कहन अनुसार के 50% बच्चे भी नहीं आ रहे। हुण जे नहीं आ रहे तो जेडे प्रबंध ने वह जिन्हों के हथां च आ उन्हां कोल ताकत तां है कि उस गल नूं मैनेज किवें करना कि किवें सिख बच्चों नूं प्रेर के इत्थे लिआंदा जाणा चाहीदा। हुण उहदा हल की हो सकदा, पॉसिबल हल वाले पासे जाणा चाहीदा। गल ये नहीं है कि असी को कला विरोध करना है, असी सोल्यूशन वाले पासे तुरना चाहते हैं। जे सिख बच्चों की जिनी कु फीस रखनी चाहते आ, दुनिया भर के बहुत सिख बैठे हुए आ जेड़े उन्हां बच्चों अडोप्ट कर सकते, उन्हां नूं स्पोंसर कर सकते, उन्हां दी पूरी साल की पढ़ाई देने वाले इत्थे बैठे हुए आ। वो करके होशियार सिख बच्चों नूं इत्थे मौका मिलना चाहिए, जेड़े लोड़वंद परिवारों होशियार बच्चे उन्हां नूं थां मिलनी चाहिए आ। कॉलेज प्रबंधक प्रबंधकों साडा 5 मैंबरी वफद हुणे मिल जा रहा। जिहड़ी रेशियो आ जिहड़ा तुहाडा सवाल आ, असीं रेशियो नूं इस तरह कहना चाहुंदे आ कि आउट ऑफ पंजाब जे विद्यार्थी बाहरों लैणे आ तां उस रेशियो दे विच 95% बच्चे सिखां दे लैणे चाहीदे आ। आउट ऑफ पंजाब तों मान लो हरियाणे तों बच्चे लैणे होण, 95 बच्चे उतों सिखा दे, 5 हरियाणवी जोड़े होर भी किसी भाईचारे संबंधित आ सकते। हुण जे तुसी रेशियो दे उत्ते कोई कंट्रोल रखोगे ही ना तो स्थिति एक गल पत्रकार भराओ ये बड़ी दिलचस्प होगी। मन लो जिहड़ी झड़प 2 दिन पहला इत्थे हुई, इत्थे ये गल फिर वापरनी आ क्योंकि इत्थे माहौल इदां दा बनिया होया। प्रभाव का जिहड़ा तुसी सवाल है तुहाडा, जिहड़ा तुहाडे अंदर कोई इस तरह का कोई डर आ कि तुसी वेखो कि असी किसी नाल धक्का करन जा रहे हैं। असी पूरे अमन मान तरीके नाल अपनी गल पुलिस नाल कीती आ, जिहड़े बंदे पीड़ित आ सुरक्षा गार्ड उन्हां नाल गल कीती आ, हुण असी इत्थे गल करन जा रहे हैं। एस सी पी सी नाल गल कीती, पत्रकार नाल गल कर रही आ। इह तां इक नैरेटिव सारे ध्यान च आया कि कल परसों का इस तरह का चलाया जा रहा कि सिख जिवें इन्हां नूं धक्कण लगे होंदे, कढ़न लगे होंदे आ, उस रूप दे विच इह गल कही आ। पर एक गल है, जे कोई तुहाडी पग नूं लावे तुसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अणख दे नाल कोई भी समझौता कर नहीं सकता। जे ते इदां दी पोजीशन आऊगी तां फिर नहीं कोई टिक सकदा। उन्हां तां इह कहा कि लोकल जिहड़े आ तुसीं इत्थे गल करो, बाकी असीं उन्हां नूं मिलना चाहुंदे आ, मिलांगे। ईवन जथेदार काल तख्त साहिब नाल मिल के कौमी गल आ क्योंकि सिखां दा सरमाया लगा होया, सिखां दे सरोकार ने, यह साडी अपनी गल आ, असीं बह के गल करांगे। हल ये आ कि पॉसीबल किया जा, ये बिल्कुल गल स्थापित की जाए कि जिहड़ी रेशियो आ बच्चों के पढ़न की अनुपात आ वो सिख बच्चों की लिखती रूप च होवे। जे बच्चे घट आ रहे हुण सारे बच्चों ने जे ध्यान कर ही लिया भी प्रदेशों नूं जाना तो बच्चे इत्थे लियाउण लई प्रेरणे किवें आ, उहदे लई कोई कैंप्स लाए जाण सारे इलाकियां च होण। एस सी पी सी दे मैंबरां दीआं ड्यूटियां प्रधान वल्लों जां जथेदार साहब वल्लों कोई निर्देश रूप च होवे कि जिहड़े सिखां दे अदारे आ एस सी पी सी ने स्थापित किए हुए आ उन्हां दे विच सिख बच्चे जिहड़े आ सोहणे तरीके नाल किवें पढ़ सकण, उन्हां नूं किद्दां प्रेरिया जावे। प्रेरोगे तां बच्चे आउणगे। तुसीं किसे नूं दस दिओ कि आह गुड़ आ ते आह जहर आ ते उह जे गुड़ दीआं गल्लां करोगे ते जहर खाधे मर जाएंगे, तुसीं दसोगे तां फिर बच्चे जिहड़े आ आउणगे साडे इस पासे। जी थैंक यू, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी।